एवरीवन, मैं लोकेश ढाका आपका फिर से स्वागत करता हूँ लर्निंग मंत्रा पर। आज हम वीडियो शुरू करने से पहले एक जोक सुनेंगे, उसके बाद वीडियो को शुरू करेंगे। एक बार एक लड़का होता है तो वो मैथमेटिक्स का वाइवा देने चला जाता है। वाइवा देने जाता है तो जो प्रोफेसर होते हैं सामने बैठे होते हैं, वाइवा लेने के लिए पूछते, बेटा ये बता कि तू एक ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। ठीक है सर, सफ़र कर रहा है तो सफ़र करते वक्त तेरे को ना गर्मी लगने लग जाती है, तो क्या करेगा? बोला सर मैं खिड़की खोल दूंगा। बोला ठीक है, मान ले तेने खिड़की खोल दी। जिस डिब्बे में तू सफ़र कर रहा है वो डब्बा 20 फिट लंबा है, 10 फिट ऊंचा है, 12 फिट चौड़ा है। बोला ठीक है, जो खिड़की तूने खोल ली है वो 10 इंच ऊंची है, 8 इंच चौड़ी है। ठीक है, जो स्पीड है ट्रेन की वो लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाग रही है। बोला ठीक है, अब ये बता कि वो खिड़की उस डिब्बे को ठंडा करने में कितना समय लेगी? अब लड़का सोचता है भाई कितना ज़बरदस्त सवाल, मना कर देता सर नहीं पता। लड़का जा बेटा, बाहर जाता है, उसका दोस्त पूछता, बेटा भाई ये बता क्या बताया, क्या पूछा? बोला ऐसे ऐसे पूछा क्वेश्चन। ठीक है, अंदर जाता है, बोला हाँ जी आइए बैठिए। नहीं बताओ, आप एक ट्रेन में सफ़र करें आपको गर्मी लगने लग जाती है, तो आप क्या करेंगे? बोला गर्मी लगती है तो जैकेट निकाल दूंगा। बोला ठीक है, फिर भी गर्मी लग रही है? बोला शर्ट भी निकाल दूंगा। बोला अच्छा, फिर भी गर्मी लग रही है? बोला पैंट भी निकाल दूंगा। बोला अच्छा, अगर तो ऐसे कपड़े उतारेगा तो वहाँ डिब्बे में बैठे लोग तेरे को पिटेंगे। तो बोला पिटना मंजूर है पर खिड़की को ना खोलूँगी। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। अपने इस पार्ट टू में हम अप्लाइड जीके सीखेंगे बेसिकली, कि कैसे मतलब हम जीके को प्रिपेयर करें, थोड़ा और अच्छे ढंग से उस चीज़ को समझेंगे। कल हमने जो वीडियो बनाई थी, लास्ट वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में हमने इस बात को डिस्कस किया था, लेकिन इसको थोड़ा सा और एक लेवल बढ़ा के थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। कुछ सिलेबस की बातें करेंगे कि कैसे हमें जीके को पढ़नी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, हमने पार्ट वन में समझा था कि भाई कोई भी शब्द है हमें क्या करना है, जो भी हमारी किताबें हैं, जो भी हमारी चीज़ें हैं, जो भी हम पढ़ रहे हैं, उन सब चीज़ों को हमें कन्वर्ट करना है, या तो इमेजेस में, या मैप्स में, या डायग्राम्स में। ठीक है, जैसे मान लो रामनाथ कोविंद ने कल छत्तीसगढ़ राज्य में किसी कॉलेज का उद्घाटन किया, कोई स्टेडियम का नाम बदल दिया, तो हमें पहले रामनाथ कोविंद का चेहरा पता होना चाहिए, दूसरा हमें छत्तीसगढ़ राज्य पता होना चाहिए, ठीक है, और कॉलेज का नाम वगैरह जो भी उसने रखा है वो सब पता चलना चाहिए, तब उसके बाद हम उस चीज़ों को समझेंगे। शब्दों की ताकत क्या है, ये आपको पता होगी कि हमारे पास एक जीव होती है जिसके अंदर कोई हड्डी नहीं होती, उसके पास केवल शब्दों की ताकत है, वो हमारी सभी हड्डी तोड़वा सकती है। तो शब्द कितने ताकतवर हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो स्कूल का जो सिस्टम होता था टीचिंग का, वो ये होता था कि हम क्या करते थे, बच्चे को एक मतलब कायदा देते थे। अब उस कायदे में जब हम बच्चे थे तो हमें भी मिलता था, उसमें क्या होता था, जैसे कोई भी वर्ड होता था नया, कोई भी नया शब्द सिखाते थे तो वर्ड के साथ उसकी इमेज रखते थे, जैसे ए फॉर एप्पल, तो ए लिखते थे उसके बाद एप्पल सामने रख देते थे। जैसे आप सामने देख रहे हैं तो ए फॉर एप्पल का एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है, ऐसे ही बी फॉर बॉल, ऐसे ए टू जेड तक की जितनी भी हमारे पास ए बी सी डी होती थी वो सब इसके अंदर लिखी होती थी, तो बच्चे को बहुत जल्दी लर्न होती थी क्योंकि उसके पास एक इमेज होती थी, और वो इमेज ऐसी नहीं होती थी कि जो कभी देख ही नहीं सकता। जैसे ए फॉर एप्पल की जगह ए के लिए कोई एवलांस जैसा शब्द नहीं रखा, क्योंकि पता है कि बच्चा जनरली इस चीज़ को इमेजिन नहीं कर पाएगा। तो उस चीज़ के लिए हमें थोड़ा सा उसी चीज़ को फोकस करो, क्योंकि वहाँ से हमारी नींव पड़ी थी। और कहते हैं अगर किसी इंसान को मतलब किसी अगर बिल्डिंग को लंबा खड़ा रखना तो उसकी नींव अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, तो उसी चीज़ का बेस है। अगर हम चीज़ों को थोड़ा सा अडोप्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेंगे। और एक फॉर्मूला है जैसे 2i फॉर्मूला कहते हैं, मतलब ये लगा लो कि भाई जैसे अगर मान लो कोई इंसान कुछ सीखने की चाह रखता है तो जीके जैसे सब्जेक्ट लगा लो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट लगा लो, उसमें सबसे पहला आई का मैटर करता है, इंटरेस्ट से। आप कुछ पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आपका जितना उसमें इंटरेस्ट होगा ना आप उतना जल्दी सीख जाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए आप मूवी देखने जाते हैं,
अब मूवी में ठीक ठाक इंटरेस्ट पैदा हो जाता है, साथ में इमेजेस चल रही हैं, आवाज़ भी सुन रही है, तो उस चीज़ को हम इतना जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं कि 3 घंटे की मूवी पूरी की पूरी हमें याद हो जाती है साथ साथ। शायद लगभग ज़िंदगी के एक पता नहीं किस हिस्से तक हम बता देते हैं उस मूवी में, उस एक्टर ने ऐसे उसको मार दिया था, ऐसा डायलॉग बोला था, एक एक बात हम बता देते हैं। कारण क्या है, क्योंकि वो हमारे सामने चल रही है। दूसरी चीज़ है फ़ोन। जैसे आजकल स्मार्टफोन आ गए हैं, छोटे 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 बच्चे लगा लो 2-3 साल के बच्चे हैं, अब उनको कुछ नहीं पता उसके बारे में, फिर भी वो उनको ये नहीं पता कि इस बात का मतलब क्या होता है, इस शब्द इस पे क्लिक करेंगे तो इसका इस एग्जैक्ट शब्द जो लिखा हो इसका क्या मतलब है, उनको ये पता है कि ये दबाने से क्या होगा। ये है इंटरेस्ट, उनका इंटरेस्ट है, किसी का कारों में इंटरेस्ट है, कोई कार जा रही है दूर से देख के बता दे ये कार जा रही है, ऐसे ही किसी का फ़ोन में इंटरेस्ट है, किसी का मतलब जैसे भी टाइप का इंटरेस्ट आप पैदा करेंगे, आपको इंटरेस्ट लेके कोई काम करोगे तो वो चीज़ आपके लिए ऑटोमेटिकली आसान होती चली जाएगी। दूसरी चीज़ है इंपॉर्टेंस। जब आप किसी चीज़ को महत्व देते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ आपके दिमाग पे हिंट करती है। जैसे अगर मान लो मैं कोई चीज़ पढ़ा रहा हूँ, या आप कोई चीज़ समझ रहे हैं, या कोई टीचर पढ़ा रहा है, तो वो इम्पोर्टेंस दिखाई उसको, देखो बेटा क्या है ये जो एग्ज़ाम है ना, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इन 10 एग्ज़ामों में आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उस चीज़ आपसे क्या होता है आपके दिमाग में फोकस पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई आएगा। तो वो क्या चीज़ है कि हमें अगर हम किसी चीज़ को सोच के चलें, जैसे जॉब है, हमें ये पता है कि हम अगर पढ़ेंगे तो हमें नौकरी मिल जाएगी, तो हमें इंपॉर्टेंस किसी दिखाई दे रही है नौकरी की, उससे लाइफ सेटल हो जाएगी, ये चीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम 2 चीज़ों पर फोकस रखें, एक तो इंटरेस्ट अगर हम पैदा कर लें किसी चीज़ में, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे आसान हो जाता है, चाहे वो फिर इमेज बनाओ मत बनाओ, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आपके अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए मेरे को सीखना है। दूसरा, आपको इस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंस रखनी पड़ेगी। अब हम क्या बात करेंगे, देख ये बात करेंगे कि भाई हम सिलेबस प्लान क्या रखेंगे, जीके को किस तरीके से पढ़ा जाए कि किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आपकी जीके आपके लिए बहुत स्ट्रोंग हो जाए और आपको कोई दिक्कत ना आए। तो देखो, जीके पढ़ने का सबसे पहला मैं जो सजेस्ट करता हूँ, मैं मानता हूँ कि सबसे पहले आपको जीके में ज्योग्राफी आनी चाहिए, सबसे पहले आपको ज्योग्राफी सीखनी चाहिए। अगर आपने ज्योग्राफी सीख ली, तो जीके क्या है, एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट पर बेस्ड है। अब आप जीके पढ़ने लगे तो सबसे पहले आपने ज्योग्राफी सीखी, तो आपने सबसे पहले ब्रह्मांड कॉस्मोलॉजी को सीखा, तो ब्रह्मांड विज्ञान आप देख रहे हैं। दूसरा, मान लो आपने जियोमोर्फोलॉजी भू आकृति विज्ञान, पृथ्वी पर जितनी भी आकृतियां हैं कैसे बनी हुई हैं, तो ब्रह्मांड विज्ञान से तो आपने पता चल गया पृथ्वी कहाँ एग्जिस्ट करती है, सोलर सिस्टम क्या है, टाइप की चीज़ें आप समझेंगे। जियोमोर्फोलॉजी में पर्वत वगैरह क्यों हैं, नदियाँ क्या हैं, कौन सी आकृतियाँ बनाती हैं, कौन से ऊंचे पर्वत हैं, कौन से नहीं हैं, वे सब इंपॉर्टेंट चीज़ें। तीसरी, क्लाइमेटोलॉजी या मेटोरोलॉजी, मतलब हमारे आसपास की जो जलवायु है, हवाएं चल रही हैं, क्यों चल रही हैं, गर्मी है, क्यों बढ़ रही है, क्यों नहीं बढ़ रही, इन सब बातों के बारे में। अब ओशिनोग्राफी है, समुद्र के अंदर नमक पाया जाता है, कहाँ से आता है, कौन सा सोर्स बड़ा है, इस टाइप की चीज़ें, समुद्र का लेवल सी लेवल क्यों बढ़ रहा है, ठीक है। क्लाइमेटोलॉजी में जैसे जलवायु क्यों बदल रही है, तो आज के दिन क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ऐसे ही कार्टोग्राफी मतलब मानचित्र विज्ञान, भाई आप दुनिया के बारे में समझेंगे कि दुनिया के किस कोने में कौन से महाद्वीप हैं, किस महाद्वीप में क्या पाया जाता है, कौन सा देश वहाँ पे, उन देशों के झंडे, उन देशों की कैपिटल्स, उनकी करेंसीज, वहाँ पे होने वाले कोई भी इंपॉर्टेंट इलेक्शंस हैं, वहाँ पे का राष्ट्रपति कौन है, वहाँ की बेसिकली वहाँ पे नदी कौन सी बहती है, उन नदियों के किनारे शहर कौन से, उन शहर की इंपॉर्टेंस क्या है, वहाँ पे कौन सी खाड़ी है, समुंदर है, वे सब चीज़ें आपके एग्जामों में पूछी जाती हैं। अब ज्योग्राफी से बाद आपने हिस्ट्री समझी, जैसे एंशियंट हिस्ट्री समझी आपने, भाई प्राचीन भारत के बारे में पढ़ा, मध्यकाल के बारे में, मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में, और मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में, आर्ट एंड कल्चर के बारे में, इन सब चीज़ों से आपको हिस्ट्री का ज्ञान होगा। अब देखो, मान लो अगर आपने ज्योग्राफी से पहले हिस्ट्री पढ़ ली, अब सोचो पहले पृथ्वी बनी थी या इंसान पहले पैदा हो गया था, क्योंकि पहले पृथ्वी बनी, अब पृथ्वी बनी, पृथ्वी बनने के बाद पूरा प्रोसेस हुआ, इंसान लगभग 20 लाख साल पहले इस धरती पर आया, उसके बाद आके उसने अपनी जो भी हिस्ट्री के काम किए, जो भी उसने हरकतें की, उसमें से कुछ अच्छे कर्म थे, कुछ बुरे थे, उन सब को हमने इतिहास के रूप में पढ़ा। अब पहले अगर ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तो अब मान लो कोई राजा है, जैसे अलेक्जेंडर नाम का राजा था जिसको सिकंदर कहते हैं, यूनान से भारत आया अटैक करने। अब आप पढ़ने लगे भाई हिस्ट्री में कि सिकंदर ने भारत पर अटैक किया, अब आपको यही नहीं पता कि यूनान कहाँ है, ग्रीक नाम का देश है, ग्रीस कहते हैं, ग्रीक भाषा वहाँ पे, ग्रीस नाम का देश है यूनान, वो कहाँ पड़ता है, तो आपको ये नहीं पता यूरोप का इस जगह से आया, यहाँ से ये एरिया क्रॉस किया होगा, इस टाइप से। अब आप नदी पढ़ा भाई, वहाँ से झेलम नदी के किनारे उसका युद्ध हुआ पोरस नाम के राजा के साथ, ऐसे वो ब्यास नाम की नदी से उसकी सेना वापस चली गई। अब ज्योग्राफी पढ़ चुके हैं तो आपको ही पता है ब्यास कहाँ है, झेलम कहाँ है, ठीक है। तो इससे आपका क्या है, आपके दिमाग में एक इमेज है कि वो कहाँ से आया होगा,
क्या उसने रास्ता अपनाया होगा, क्या चीज़ की होगी, वो सब चीज़ आप आराम से अडोप्ट करेंगे। तो हिस्ट्री बाद में पढ़ें, पहले ज्योग्राफी पढ़ें, उसके बाद जैसे पॉलिटी आपने पढ़ी, अब हिस्ट्री के बाद जैसे मान लो भारत का संविधान लिखा गया है या कोई भी इतिहास, तो शुरू हो गया पहले ही, बाद में व्यवस्थाएं बनाई, व्यवस्था राज्य व्यवस्था, राज की व्यवस्था मतलब राज्य किस व्यवस्था से चलता है, दुनिया के अलग अलग राज्य अलग अलग व्यवस्थाओं से चल रहे हैं। जैसे अमेरिका जैसा देश है वो राष्ट्रपति शासन से चलता है, अब राष्ट्रपति वहाँ पे सबसे मेन हेड है। डोनाल्ड ट्रंप का नाम आपने कभी अमेरिका में प्रधानमंत्री का नाम नहीं सुना होगा। भारत में संसदीय कार्यपालिका है, वहाँ पे हम आप यहाँ पे जब भी नाम सुनेंगे तो नरेंद्र मोदी बहुत ही पावरफुल इंसान है। कारण क्या है, क्योंकि यहाँ की व्यवस्था ऐसी है। अब व्यवस्था को अगर आपने पढ़ा ही नहीं तो आप कैसे समझेंगे उस बात को, तो ये समझनी जरूरी है। तो पॉलिटी उसके बाद आप पढ़ें, संविधान पढ़ें, क्योंकि संविधान 1950 में बना। आप हिस्ट्री हमारी एंशियंट से शुरू हो जाती है, सोचो वहाँ से एक और मतलब संविधान बना 1950 से, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना डिफरेंस रहता है। उसके बाद आप अगर आप उस चीज़ को पढ़ेंगे तो आपको ये भी पता रहेगा संविधान बना तो संविधान सभा कैसे बैठी होगी, कैसे इलेक्शन हुए होंगे, कैसे अंग्रेजों ने देश को छोड़ा होगा। तो वो मॉडर्न हिस्ट्री में आप उसको पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे संविधान आ गया। अब इसके बाद जैसे आपने अर्थव्यवस्था मतलब किसी राज्य को चलाने के लिए उसकी पैसे की व्यवस्था कैसी, उसको अर्थव्यवस्था कहते हैं। सेंटर को मतलब उसके अर्थ को सेंटर में रख के बनाई गई व्यवस्था को अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी कहा जाता है। तो बाद में उसको पढ़ें तो इन चीज़ों की एक रिदम बनेगी, आपको हर चीज़ एक दूसरे को सपोर्ट देगी। कोई शब्द अगर इकोनॉमी में आएगा, इकोनॉमी में अगर आप देखेंगे मान लो 5 ईयर प्लान आप पढ़ रहे हैं, अब 5 ईयर प्लान में कोई प्रधानमंत्री कोई निर्णय ले रहा, तो सोच के देखो अगर आपको यही नहीं पता कि वो प्रधानमंत्री कब बना था, उसने कब का क्या काम किया था। पॉलिटी में आप इन प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ लें, उसके बाद उसने क्या डिसीजन लिया होगा, हमारी कौन सी व्यवस्था उसने बदली होगी, इकोनॉमी में उसने क्या इफेक्ट डाला होगा, कौन से बैंक बनाए या कौन से का राष्ट्रीयकरण किया, वो सब चीज़ें आप आराम से अडोप्ट कर लें। फिर इसके साथ आप साइंस पढ़ सकते हैं उसके बाद, या पहले भी पढ़ सकते हैं, बट साइंस भी है कि समय के अनुसार डेवलप हुई है, हमें हमने चीज़ों का पता लगाया है, उसी को साइंस कहते हैं। ज्योग्राफी हुई, हिस्ट्री हुई, पॉलिटी हुई, इकोनॉमी हुई या साइंस हुई, कुछ भी है, हर चीज़ में कोई ना कोई नई करंट की चीज़ें ऐड होती रहती हैं। अगर आप इन चीज़ों को ऐड कर रहे हैं तो अंदाज़ा लगाओ कि अगर आप पहले इन चीज़ों को पांचों के पांचों सेक्शंस को अगर आप अच्छे से पढ़ चुके हैं, उसके बाद जब आप इनको करंट अफेयर से ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका एक स्ट्रोंग मतलब सिक्के आपकी तैयार हो जाएगी। तो एक तरीके से पढ़ना आपको समय बचाएगा आपका, अगर आपको पहले ही सब कुछ पता है तो आप उन चीज़ों को आपको परेशानी नहीं करनी पड़ेगी, नहीं तो उस चीज़ के बारे में फिर सोचो ये क्या था भाई, ये तो पता ही नहीं क्योंकि आपने उससे पहले वो सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं, तो आप उस चीज़ को कैसे अडोप्ट करेंगे। तो ये था हमारा जीके का पार्ट 2। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।